नमस्ते। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन और नामकरण विषय लेकर प्रस्तुत हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, कृपया वे हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त परिचय नामक वीडियो देखें, उसके बाद ही उनको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा ये वीडियो पूरी तरह से उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले वाला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले जो था हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिन जिन लोगों ने प्रयास किए, उसका विवरण मैंने उस वीडियो में दिया है। और उसी श्रृंखला में आगे जिस विद्वान का मैं विवेचन कर रहा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 बिंदुओं में समेटा है, और जिसमें से पहला जो काल का नाम रखा है वो है संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल, पांचवा आधुनिक काल। तो जो संधि काल है उसको उन्होंने बहुत पहले ले जाकर संवत 760 से 1000 संवत तक इसका काल निर्धारण किया है। और इसका संधि काल नाम रखने के पीछे उनका ये मत रहा है कि उस समय जो अपभ्रंश की और जो रचनाएं थी उनमें हिंदी के कुछ प्रारंभिक लक्षण देखने को मिल रहे थे। कोई एक निश्चित सीमा रेखा खींचा जाना असंभव है कि यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है, इसलिए उन्होंने उन रचनाओं को भी शामिल करने की कोशिश की है जिन रचनाओं के आधार पर हिंदी का आगे विकास हुआ या हिंदी के कुछ लक्षण वहाँ देखने को उनको मिले, इसलिए उसे संधिकाल कह करके उन्होंने संबोधित किया है। और इसका कार्यकाल संवत 760 से लेकर 1000 संवत तक माना है। और जो दूसरा जो काल निर्धारण किया है वो चारण काल किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे वीर गाथा काल नाम दिया था, और क्योंकि वहाँ उस समय की वीर रस की रचनाएं देखने को बहुत अधिक मिली उनको, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी बनाई है, इसलिए उन्होंने उसको ये वीर गाथा काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उस समय को चारण काल का है, क्योंकि उस समय राजाओं के दरबारों में चारण भाट कवि हुआ करते थे, और जिनका विशेष रूप से काम ये था कि काव्य बनाना, कविताएं बनाना और राजा की प्रशंसा और यश के गीत गाना, और युद्ध के समय वीरता से परिपूर्ण रचनाएं करके सैनिकों में जोश भरना। और ये चारण भाट कवि बहुत ही बहादुर होते थे, लड़ाई के मैदान में शब्दों के द्वारा वीर रस की काव्य पंक्तियों के जरिए सैनिकों में जोश तो उत्पन्न करते ही थे, और जरूरत पड़ने पर वे तलवार भी उठाते थे, यानी सैनिकों के साथ मिलकर के राजा के पक्ष में युद्ध भी करते थे। तो उस समय जितने भी जो कवि हैं वो लगभग किसी न किसी राजा के दरबार में राजा श्रेय पाकर के कविताएँ रच रहे थे, इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐसे उस काल को चारण काल कहना ही ज़्यादा उचित समझा है, ये उनका अपना मत है। और इस काल का निर्धारण जो किया है समय का, वो संवत 1000 से लेकर संवत 1375 तक इसका काल निर्धारण किया है, और इसे चारण काल नाम दिया है। और इससे आगे जब प्रवृत्तियाँ बदली, स्थितियाँ बदली, भारतीय सामाजिक और साहित्यिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बदला, तो उस समय बहुत से संत भक्त कवि ऐसे हुए जो भारत के कोने कोने में लोगों को अपनी रचनाओं के जरिए उपदेश दे रहे थे, और उन ऐसा लगता था कि भारत में कोई भक्ति की बहुत बड़ी लहर पूरे भारत में समाये फैल गई है। तो उन संत भक्त कवियों की रचनाओं
में भक्ति की सबसे अधिक प्रधानता थी, और ऐसा वातावरण देख करके, ऐसी प्रवृत्तियाँ देख करके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को भक्ति काल कहा है, जिसका समय उन्होंने संवत 1375 से लेकर 1700 संवत तक माना है। और धीरे धीरे जब भक्ति काल का समय चूका, भक्ति के बाद में धीरे धीरे समाज में प्रवृत्तियाँ बदली, तो भक्ति काल का स्थान रीति काल ने लिया, यानी कि भक्ति की भावना अब रीति में बदल गई, श्रृंगार में बदल गई। अब भगवान क्या है, श्रृंगारिक भावनाओं के प्रतीक बन गए। ऐसी स्थितियों में जो मूल पावन भावना भक्ति काल में संत भक्त कवियों थी, वो भावना रीति काल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ अपने मन की जो वासनाएं हैं उनको भक्ति का नाम देकर के कवि अलग अलग तरीके से रचना किया करते थे। क्योंकि इस काल में लक्षण ग्रंथों की खूब रचना देखने को मिलती है। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर हिंदी में रचनाएं की गई, उनको लक्षण ग्रंथ कहा गया है। तो इस तरह से उस संस्कृत की जो रीति है, उस रीति का इस काल में बहुत अधिक पालन देखने को मिला। तो कवि ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतियों की प्रधानता देख करके, का लक्षण ग्रंथों की प्रधानता देख करके उसे रीति काल नाम दिया, और जिसका समय जो है उन्होंने संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक निर्धारण किया है। और रीति काल के बाद में जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की लहर भारत में चली, 1857 की क्रांति के बाद भारत का परिदृश्य बदला, लोगों में आज़ादी के प्रति एक जुनून और जोश की भावना धीरे धीरे देखने को मिल रही थी, तो वहाँ कविता की दिशा बदली, वहाँ साहित्य की प्रवृत्ति बदली, और इसलिए उस काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा है। और ये संवत 1900 से लेकर आज तक उसको माना है, इसका आगे का निर्धारण नहीं किया है। तो ये अपन ये मान सकते हैं कि 1900 से लेकर जो आगे काल आया उसको इन्होंने आधुनिक काल कह करके संबोधित किया है। इस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, संधिकाल, चरणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इसके अगर इनके वर्ग विभाजन की हम समालोचना की जाए तो संधिकाल जो नाम इन्होंने रखा है, इससे ये इसके आधार पर लोगों ने ये कहा है, विद्वानों ने, कि भाई हिंदी इनके इन्होंने वो अपभ्रंश की रचनाएं अपने वर्गीकरण में शामिल करनी है, जो कि जिनका कि अपना एक अलग विशेषताएं हैं उसे हिंदी में शामिल करना ठीक नहीं रहता है। ये बहुत पहले हिंदी के साहित्य के इतिहास को ले जाते हैं, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है आगे और भी बहुत से विद्वानों ने इस संबंध में बहुत विश्लेषण किया, तो उन्होंने इसे उचित नहीं समझा कि हिंदी साहित्य का इतिहास इतना पीछे ले जाएंगे तो बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सी रचनाओं की विसंगतियाँ सामने आएंगी। ऐसा इसलिए संधि काल कहा जाना थोड़ा ठीक नहीं प्रतीत होता। फिर संधि किस चीज़ की संधि, ये भी अपने आप में प्रश्न उठता है। चारण काल से लगता है कि सिर्फ चारण कवि ही उस समय हुआ करते थे, और कोई किसी प्रकार की रचनाएं नहीं मिलती हैं, जबकि उस समय अनेक प्रकार के रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो चारण काल भी एक तरह से उनका नाम पूरी तरह लोक सहमत नहीं है। हाँ, भक्ति काल और रीति काल जो इन्होंने नामकरण किया है, ये नामकरण तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, तो डॉक्टर रामकुमार ने ऐसा लगता है कि यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को ही एक तरह से स्वीकार किया है। और आधुनिक काल लगभग ज्यादातर विद्वानों ने संवत 1900 के बाद के काल को आधुनिक काल कह करके ही संबोधित किया है। तो ऊपर के जो 2 वर्गीकरण हैं ये कवि के अपने मौलिक कहे जा सकते हैं, नीचे के जो 3 वर्गीकरण हैं अंत के, वो एक तरह से लगता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पूर्ववत विद्वानों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनको स्वीकार किया है। और इसके बाद में
तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद में जिन जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत अधिक काम किया है वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पहले वीडियो मैंने बताया था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे कवियों को, संत कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जिनको डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने फुटकर कवि और सामान्य कवि मान करके उनको एक अलग खाते में डाल दिया था। एक तरह से कह सकते हैं उनको, उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन कवियों पर विशेष ध्यान दिया और कहा ये भी भक्ति काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक एक चीज़ का हम विवेचन करते हैं। देखिए उन्होंने कैसे क्या विभाजन किया है। आचार्य राम आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में वर्गीकृत किया है। पहला जो है उन्होंने उस काल को आदिकाल कहा है, दूसरे काल को पूर्व मध्यकाल कहा है, तीसरे काल को उत्तर मध्यकाल कहा है, और चौथे और अंतिम काल को आधुनिक काल कहा है। आदिकाल का आरंभ सन संवत 1000 से लेकर 1400 तक माना है। पूर्व मध्यकाल का निर्धारण 1400 से लेकर 1700 ईस्वी सन तक माना है। उत्तर मध्यकाल का 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है, और आधुनिक काल का निर्धारण उन्होंने 1900 से अद्यतन यानी अब तक स्वीकार किया है। अगर पहला उनका नामकरण देखें आदिकाल, तो आदिकाल एक नाम अपने आप में एक भ्रामक शब्द प्रतीत होता है। आदिकाल किस चीज़ का? आदिकाल का नाम लेते ही ऐसा दिमाग में आता है कि मनुष्य की आदिम अवस्था, जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था, शिकार करता था, क्या उस समय की बात कभी कर रहे हैं? तो इसलिए यहाँ ये आदिकाल शब्द अपने आप में पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। पूर्ण उस समय की जो रचनाएं हैं उनका पूरी तरह से ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया था कि इसे लेकर के भ्रांति हो सकती है, परंतु उन्होंने कहा कि मेरा मत ये है कि आदिकाल से मतलब ये है कि हिंदी की आरंभिक अवस्था है। हिंदी धीरे धीरे जब शुरू विकसित हो रही थी तो उस काल की जो आरंभिक रचनाएं हैं जिनमें हिंदी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस समय को उन्होंने आदिकाल कहा है। अगर ये बात ध्यान में रख करके विश्लेषण किया जाए तो ये नाम ठीक प्रतीत होता है। दूसरा जो उन्होंने काल का नाम रखा है मध्यकाल रखा है, मध्यकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल रखा है, तो पूर्व मध्यकाल 1400 से लेकर 1700 तक का माना है, वो जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल का नाम दिया था। इन्होंने इसे पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। और भक्तिकाल में भक्तिपरक रचनाएं हैं, तो पूर्व मध्यकाल में भी इन्होंने वही भक्तिपरक रचनाएं शामिल की हैं, उन्हीं संत भक्त कवियों को शामिल किया है। और तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल को इन्होंने राचा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, और हजार प्रसाद द्विवेदी उसको उत्तर मध्यकाल बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका नामकरण थोड़ा औरों से भिन्न है, क्योंकि ये निश्चित नहीं कर पाए कि वास्तव में क्या नाम रखे, तो समय के आधार पर इसका नाम रख दिया है। और चौथा जो अंतिम इन्होंने नामकरण रखा है वो आधुनिक काल रखा है, जिस पर ज़्यादातर विद्वान लगभग सहमत हैं। और आधुनिक काल को भी अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में एक भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला है कि 100 साल पहले का समय भी आधुनिक और आज का समय भी आधुनिक और 100 साल के बाद का भी आधुनिक। किसको आधुनिक माने? इन 100 150 200 सालों में तो साहित्य की बहुत अधिक प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं, बहुत तरह की नई समस्याएँ समाज में देश के सामने आती हैं, साहित्य उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ और आधुनिक काल का अंत देखा जाए तो बिल्कुल दिन रात का अंतर आता है। फिर भी जब तक और कोई नई चीज़ें सामने न आए तब तक हमें आधुनिक काल स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो ये आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन उसका नामकरण था वो मैंने प्रस्तुत किया।
और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के बाद में हालांकि बहुत से लोगों ने प्रयास किए हैं और पर सबके नाम गिना पाना समय अभाव के कारण संभव नहीं है। इसके बाद में फिर भी डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उन लोगों ने एक हिंदी साहित्य इतिहास का संपादित किया है मिलकर के, जिसे हिंदी परिषद के इतिहास के नाम से जाना जाता है, हिंदी परिषद का इतिहास, जिसमें केवल 3 युग उन्होंने माने हैं। और 3 युगों में पहला युग आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की कल्पना की गई है। और लगभग जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कल्पनाएं की हैं, जो मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा और अन्य जो सहयोगी हैं कुल मिलाकर उन्होंने उन्हीं मान्यताओं को स्वीकार किया है। कुछ अब अंदर कवियों का विश्लेषण करते समय उनकी अपनी मान्यताएं अलग से प्रस्तुत की गई हैं, पर काल विभाजन और समय का जो है वर्गीकरण वो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत से पूरी तरह मेल खाता है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया गया। कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया, कहीं समय को ध्यान में रखा गया, कहीं किसी विशेष चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया। तो हर एक विद्वान द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन में कमियाँ हैं। समालोचना करें तो अपने आप में कोई भी काल विभाजन पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। फिर भी चूँकि अध्ययन के लिए ये जरूर हो जाता है कि कोई एक निर्णय लिया जाए जिसको मान करके हम आगे बढ़ सकें, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष सर्वमान्य है, यानी ज़्यादातर विद्वानों ने उसको स्वीकार किया है। जो ज़्यादातर विद्वानों ने स्वीकार किया है उसी मत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जितने भी विद्वानों ने जो विभाजन किया उसके आधार पर हम जो पहला वर्गीकरण है उसके दोनों नाम रख सकते हैं, प्रारंभिक काल और आदिकाल, और उसका समय 1075 से लेकर 1375 विक्री संवत तक माना गया है। इसको सर्वसम्मति से विद्वानों ने स्वीकार किया है। दूसरा जो काल विभाजन का है वह है पूर्व मध्यकाल नाम रखा है, और उसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जा सकता है। दोनों नाम समांतर रूप से आज प्रचलित हैं, और इसका समय विभाजन जो है वो 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। तीसरा जो विभाजन है उत्तर मध्यकाल है, जिसे रीति काल के नाम से माना गया है, और दोनों नाम ही प्रचलित हैं। इसका समय है 1700 लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। चौथा जो अंतिम काल विभाजन है वो है आधुनिक काल, यानी उसे गद्य काल भी कहते हैं, परंतु क्योंकि उस समय गद्य विधाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है इसलिए दोनों नाम समांतर प्रचलित हैं, जिसका समय जो है 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक माना गया है। इस प्रकार फिर आगे आधुनिक काल के में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां कविता में देखने को मिलती हैं, अनेक प्रकार की गद्य विधाएं आई। तो जो गद्य विधाओं का जो इतिहास है आधुनिक काल के गद्य विधाओं का, वो उनका अपना अपना सबका अलग अलग है। मैं यहाँ आपके सामने आधुनिक काल का जो पद्य पक्ष है, पद्य साहित्य है, उसके जो विभिन्न विभाजन हैं उनके नाम संक्षेप में मैं रख रहा हूँ। समय अभाव है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में इनके नाम आपके सामने सुना रहा हूँ। पहला आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है भारतेंदु युग कहा है उसे, भारतेंदु युग जो सन 1860 ईस्वी से 1900 तक माना है। दूसरा द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1920 तक माना है। तीसरा युग जो है छायावाद माना है 1920 ईस्वी से 1936 तक। चौथा वाद जो है प्रगतिवाद माना है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। पांचवा जो वाद है प्रयोगवाद है जो 1943 ईस्वी से 1954 तक है। और छठा
नई कविता माना है जो 1954 से लेकर 1960 तक है, और सातवा साठोत्तरी कविता है 1960 ईस्वी के बाद, और इसके बाद भी कई लोग कहते हैं साठोत्तरी के बाद में एक कविता आई है। खैर ये आगे और नई अनुसंधान का विषय है, क्योंकि साहित्य नित्य प्रति बदलने वाली चीज़ है, हमेशा एक जैसी स्थिति साहित्य में नहीं रह सकती है और नए नए निष्कर्ष सामने आते रहेंगे। अभी तक आज सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।